खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का, बस सिर्फ खेलना है इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर, मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल है कर लेते हैं, एक मीटिंग करते शामुद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी होगा, शामुद कुरैशी कहेंगे कि वो लेटर पढ़कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बताते, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने ये चीज़ें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज़ सुना थी, इसमें ये था, कहेंगे इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लेवल में इसको थ्रेट कहते हैं। इमरान खान की साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक। साइफर पर हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, चेयरमैन पीटीआई की हिदायत। मेरे ख्याल में शाह महमूद और फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग कर लेते हैं, शाह महमूद कहेंगे लेटर पढ़कर सुनाएं तो मैं मिनट्स में बदल दूंगा, फिर तजिया अपनी मर्जी के मिनट्स में कर देंगे। ये थ्रेट है आजम खान की मुबैना ऑडियो में गुफ्तगू। सलामती पर बड़ों की बड़ी बैठक, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास एक घंटे बाद, सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी, ऑडियो लीक समेत दीगर उमूर ज़ेरे गौर आएंगे, मशरकी और मगरबी सरहदों की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती इंतहा पसंदी पर भी गौर किया जाएगा। पिछली हुकूमत की वजह से महंगाई का बोझ आवाम पर डालने का अफसोस, माजी में IMF शराइत की धज्जियां उड़ाई गईं, मिफ्ता इस्माइल ने मुश्किल वक्त में मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, अब इसहाक डार मुल्क मईशत को मुश्किल हालात से निकालेंगे, नए वजीर खजाना की कामयाबी के लिए दुआगो हैं, वजीर आजम का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। इमरान खान हुकूमत इसको उस जगह पे ले गई, वो जो उन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत ने इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल इसी पे यकीन रखते हैं, और उन्होंने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया है, वो बुरा हशर किया कि मैं समझता हूँ कि दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। इमरान खान की जब हुकूमत आई तो पहले कामों में से उन्होंने सबसे पहले मेरा पासपोर्ट कैंसिल करवाया, उसके बाद मुझे पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाला, और दुनिया भर में पाकिस्तान की एम्बेसीज और हाई कमीशन को यानी ये इतला की गई कि इसहाक डार कहीं से भी पासपोर्ट अप्लाई करे उसको नहीं देना। इमरान खान ने मुल्क का जो हाल किया वो दुश्मन भी नहीं कर सकता, खुदा के लिए अब बस कर दें, मुल्क को आगे जाने दें, पैनमा जैसे ड्रामे भी अब खत्म होने चाहिए, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल से दो चार है, इमरान हुकूमत ने पासपोर्ट मंसूख कर दिया था जिस वजह से वापस ना आ सका, मेरे खिलाफ केस बनाने वालों को शर्म आनी चाहिए, वजीर खजाना इसहाक डार की मीडिया टॉक। मुल्की खजाने की बागडोर, इसहाक डार के सपोर्ट हलफ उठाने के बाद वजारत खजाना आमद चार्ज संभाल लिया, किसी को पाकिस्तान के मईशत से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे, मस्नूई तरीके से मईशत मुस्तहकम करने के इल्जामात बेबुनियाद हैं, वफाकी वजीर खजाना। खजाने का कलमदान बदलने के असरार, डॉलर लड़खड़ा गया, अमरीकी करंसी की कदर में मुसलसल कमी, मजीद 1.66 रुपया सस्ती, इंटरबैंक में 232.25 रुपए में ट्रेड, ओपन मार्केट में भी कीमत 2 रुपए कम होकर 232 रुपए हो गई। आमदन से ज्यादा असासों का रेफरेंस, इसहाक डार इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश, नैब को नोटिस जारी, इसहाक डार की 7 अक्टूबर को दोबारा तलबी, वारंट मंसूख की दरख्वास्त को असासाजात रेफरेंस के साथ सुनेंगे एहतसाब अदालत। डार भी ख्वार होगा, इलेक्शन वक्त से पहले होंगे, ऑडियो वीडियो इनकी सियासत को ले डूबेगी, ये अपने ही जाल में खुद फंस गए, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक तमाम अहम फैसले हो जाएंगे, शेख रशीद की फिर पेशगोई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वजीर आजम की मुलाकात, मुल्की सिक्योरिटी और मौशी सूरत हाल पर बातचीत, ऑडियो लीक्स पर भी गुफ्तगू। वजीर आजम ने जनरल असम्बली इजलास के दौरान मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत के साथ मुलाकातों से आगाह किया।
लोगों से सैलाब ज़दा मुतासरीन के नाम पे पैसा इकट्ठा करके अपने जलसे कर रहा है, सियासत चमका रहा है और अगले इलेक्शन के लिए फ़ंड इकट्ठे कर रहा है। इमरान खान की सियासत मुसलसल मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को बढ़ाना, मुल्क के नौजवानों को गुमराह करना, पाकिस्तान के अवाम का पाकिस्तान के इदारों से एतमाद ख़त्म करना, एक बड़े सिस्टमेटिक तरीके से, एक बड़े साइंटिफिक तरीके से इमरान नियाजी पाकिस्तान के हर इदारे को मुतनाज़ा कर रहा है। इमरान नियाजी लोगों को गुमराह करने में मसरूफ़, मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर कौम को तकसीम किया जा रहा है, इदारों को मतनाज़े किया जा रहा है, चेयरमैन पीटीआई अगले इलेक्शन के लिए फंड्स इकट्ठे कर रहे हैं, सैलाब जैसे हालात में सियासत को तरजीह देना गैर मुनासिब है। एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। इमरान खान का झूठा बयानियां आज अवाम ने देख लिया। मुबैना ऑडियो में आजम खान कह रहे हैं वो अपनी मर्जी के मिनट्स बना लेंगे। इमरान खान जवाब दें, कौम को साइफर जैसी दो नंबरी के पीछे क्यों लगाया, यह अब असेंबली में आने के लिए चोर दरवाजे ढूंढ रहे हैं, अजमा बुखारी की तनकीद। पंजाब हुकूमत किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बना रही, सब उमूर कानून और इंसाफ के दायरे में रहकर अंजाम दिए जा रहे हैं। ऑडियो लीक से रजीम चेंज ऑपरेशन के सब किरदार सामने आ रहे हैं। मुशीर इत्तला पंजाब उमर सरफराज चीमा। भारत को फिर मुंह की खाना पड़ी, एफ 16 तैयारों पर एतराजात मुस्तरद। पाकिस्तान का F-16 प्रोग्राम दहशतगर्दी से निमटने के लिए है, नए तैयारे या सिस्टम फराहम नहीं किए जा रहे। जो फौजी साजो सामान दें उसकी तकनीकी मुआवनत हमारी जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी के वाज़ह खतरात पाकिस्तान के पड़ोस से उठ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत इख्तलाफात सिफारतकारी से हल करें। भारतीय वजीर खारजा से मुलाकात के दौरान अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का इजहार ख्याल। सैलाब अपने पीछे तबाही छोड़ गया, बेशतर इलाके वबाई अमराज की लपेट में, बच्चे और ख्वातीन ज्यादा शिकार, मुतासरीन दोहरे अजाब से दो चार, अद्वियात की शदीद किल्लत, इलाज मुआवजे की सहूलतें भी न होने के बराबर, मच्छरों की बहतात ने रही सही कसर पूरी कर दी, ताफुन के बायस सांस लेना भी मुहाल। किसानों का मुमकिन एहतजाज, इस्लामाबाद कंटेनर्स बन गया रेड जोन में, नादरा चौक डी चौक इलेक्शन कमीशन रोड बंद, टी चौक रवा से रावलपिंडी जाने वाले रास्ते भी बंद, एक्सप्रेसवे और जीटी रोड पर रुकावटें खड़ी होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची में डेंगू आउट ऑफ कंट्रोल, एक और खातून जान की बाजी हार गई। रवा साल शहर कायद में मोहलिक बारिश से 33 हलाकतें। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 326 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में भी मजीद 392 मरीज सामने आ गए। सऊदी फरमानरबा ने वली अहद को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद बिन सलमान की बतौर वजीर आजम तकर्री का शाही फरमान जारी। सऊदी वजीर दिफा का कलमदान शहजादा खालिद बिन सलमान के सपोर्ट, वजीर आजम की मुबारकबाद, सऊदी अरब की मजीद तरक्की के लिए दुआ को। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मोहम्मद बिन सलमान को वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा में सऊदी अरब की खुसूसी हैसियत को तस्लीम करता है, सिपा सलाह। यूक्रेनी इलाकों के रूस से इलहा का रेफरेंडम, 5 रोज में वोटिंग का अमल मुकम्मल, 30 सितंबर को ऐलान मुतवक्के। रूसी सदर जुमे को पार्लियामेंट से खिताब के दौरान मकबूजा इलाकों के इलहा का ऐलान कर सकते हैं, बरतानवी वजारत दिफा का दावा। खत्म इंतजार, कराची के बाद अब लाहौर में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहार, कजाफी स्टेडियम में मैदान लगने को तैयार। 5वें T20 में पाकिस्तान और इंग्लैंड आज आमने सामने होंगे। 7 मैचेस की सीरीज 2-2 से बराबर। कौमी क्रिकेट टीम को एक और झटका, फास्ट बॉलर नसीम शाह वायरल इन्फेक्शन का शिकार।
अस्पताल दाखिल, इंग्लैंड के खिलाफ आज T20 मैच से आउट। आइंदा मैचेस के लिए उनकी दस्तयाबी का फैसला मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद किया जाएगा। कौमी खातीन क्रिकेट टीम एशिया कप में शिरकत के लिए बांग्लादेश चली गई। 1 अक्टूबर से टूर्नामेंट का आगाज भारत के साथ 7 अक्टूबर को टाकरा। रिवायती हरीफ के खिलाफ मैच जीतने की पूरी कोशिश करेंगे कप्तान बिस्मा मारूफ का।